पिछले साल इसी एससीओ समिट की मेजबानी भारत ने की थी। गोवा में ये समिट हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो थे और वो भारत आए थे। उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन भारत में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो खुद जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जब हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाने वाले हैं और दुनिया भर के तमाम देशों के मेहमान वहां पर आने वाले हैं, तो टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ी होगी, क्योंकि ये आतंकी स्थान जिस आतंक को पालता है वही वहां पर उसकी इमेज खराब कर रहा है और एक डर बना हुआ है उसको भी कि कहीं एससीओ समिट टल ना जाए या हाथों से निकल ना जाए। कराची में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, धमाके में कितने लोग मारे गए हैं पाकिस्तान सही आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है, तो ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली यह बैठक क्या संभव है? इस सवाल पर क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान में जिस हिसाब से ये आक्रोश चल रहा है कि वहां पे जो है, जो कहते हैं कि फ्रैंकनस्टीन का क्रिएटर जो था, सबसे पहले फ्रैंकनस्टीन ने उसी को मारा। पाकिस्तान अब उससे जूझ रहा है, टेररिज्म उसने शुरू किया CIA के साथ मिलके, जब रशियंस को निकालने के लिए उसने सारी ये तंजीमें खड़ी की, आज वही तंजीमें इसके खिलाफ हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से अटैक चल रहे हैं, कौन सी तंजीम कहाँ अटैक कर रही है किसी को मालूम नहीं है, ना ही उसकी इंटेलिजेंस को। वहाँ पे आप देख लीजिए, उनके रोज़ आर्मी वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चीनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, एससीओ का जो है सिक्योरिटी जो है, मेरे को लगता है काफ़ी मुश्किल रहेगी। तो डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि एससीओ समिट पाकिस्तान में ऐसे हालात में काफी मुश्किल रहेगी। आखिर क्यों इम्पॉसिबल कहा जा रहा है एससीओ समिट को पाकिस्तान में, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूदा हालात के बीच एक हफ्ते बाद ही एससीओ की बैठक होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बैठक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, रिहाई तक प्रदर्शन पर अड़ी हुई है PTI और कह रही है कि कुछ भी हो, जब तक पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस्लामाबाद लाहौर में फौज के हवाले पूरे इलाकों को कर दिया गया है, फौज यहां पर तैनात कर दी गई, लेकिन फिर भी स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं। इस्लामाबाद में 6000 फौजी तैनात किए गए, समझ लीजिए ऐसे लग रहा है युद्ध जैसे हालात हैं जहां पर 6000 फौजी तैनात कर दिए गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पर भी जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान की ओर से ही ली गई है, इसीलिए एक बड़ा खतरा वहां पर पैदा हो गया है। कराची जैसे हमले की आशंका बढ़ गई आने वाले समय में, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि हम बड़े कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान में निशाने पर विदेशी नागरिक हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर चीन के नागरिकों की मौत हुई है। चीन को भी सता रहा है सुरक्षा का डर, इसीलिए अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है चीन की ओर से। एससीओ में नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है, जो नेता अलग अलग देशों से एससीओ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो देश अपने देश के नागरिकों को या अपने आए हुए मेहमानों को, अपने यहां आए हुए विदेशी मेहमानों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो क्या दो दिनों के लिए आने वाले बड़े चेहरों को दूसरे देशों की सुरक्षा दे पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल और चुनौती पाकिस्तान के सामने है। एक तरफ इमरान की रिहाई को लेकर घमासान पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इमरान के सामने अगर शहबाज घुटने टेक भी दें तो क्या शहबाज बलूचियों के हमले को रोक पाएंगे? ये सवाल बेहद अहम है और पूरी दुनिया की नजर इस पर ही टिकी हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट की क्या राय है इस पर, सुन लीजिए। ये जो पंजाबी मुस्लिम है ना, जो पंजाबी मुस्लिम ने उसने पूरा डोमिनेट किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो फौज है चाहे वो उसके इदारे, जो भी इदारे में देख लीजिए, और उसकी वजह से ये सारी बातें शुरू हुई। अब ये जो लिबरेशन फ्रंट है, ये किसी से नहीं रुकने वाला। ये इसको जो है, ये आप देखिए, रोज़ उधर बच्चे जो हैं उठा के ले जा रही है फौज, उनकी माएँ वहाँ पर, जो आपने कितनी बार देखा है, आपके मीडिया चैनल्स ने ही चलाया कितनी बार, माएँ वहाँ बैठी हैं कि जी हमारे बच्चे मिसिंग है, कहाँ हैं, जो वहाँ प्रोटेस्ट करता है वो उसको उठा के ले जाते हैं। और ये जो बलूच का जो ये चल रहा है, वो ज़्यादा ये हो गया है कि जो चीनी वहाँ पे जो आ गए हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और साथ में ये जो वहाँ के जो लोग हैं उनको ना तो वो नौकरी मिली, तो इसीलिए वो चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर ये शहबाज शरीफ और इमरान खान भी आपस में मिल जाएंगे तो बलूची जो हैं वो बैठेंगे। कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ, आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियम और हर्म है, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है।
पाकिस्तान एक तरफ खुद आतंक के खतरे से जूझ रहा है, डर है कि कहीं बड़ी मेजबानी ना छिन जाए, वहीं कैसे पाकिस्तान ने भारत में सबसे बड़े आतंकी घोषित को अपने यहां पनाह दे रखी है, ये आपको बता देते हैं। और मुश्किलें पाकिस्तान की इससे बढ़ रही हैं। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक एक बार फिर धर्मांतरण पर जहर उगल रहा है पाकिस्तान में बैठकर। वो अपने पूर्व में किए गए कुकर्मों को सही ठहरा रहा है और उस पर हैरानी यह है कि भारत के गद्दार को पाकिस्तान जन्नत से भी बेहतर लगने लगा है। क्या कह रहा है भगोड़ा नाइक, इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हर्म है, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय, या मैं कहूंगा बुगाटी। गद्दार का ज्ञान कम अक्ल बदजुबान, किसी गद्दार की गद्दारी का और सबूत क्या ही होगा जो जाकिर नाइक आतंकी मुल्क पाकिस्तान में खुद उगल रहा है। हिंदुस्तान का दुश्मन अपने गुनाहों का सबूत और कैसे देगा जो भगोड़ा जाकिर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के शहर शहर भटक कर दे रहा है। जी हां, यही तो वो गुनाह है जिसकी नींव रखकर जहरीले जाकिर ने हिंदुस्तान को बांटने की साजिश तैयार की थी, जिसके बाद पाकिस्तान को बमुश्किल एक बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है। एससीओ समिट की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर भी पाकिस्तान की हरकतों की वजह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जनता सरकार के खिलाफ पहले ही सड़कों पर है और रही सही कसर वहां हुए आतंकी हमले ने पूरी कर दी है, जिसमें चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। क्यों और कैसे हुआ ये ब्लास्ट और इसके बाद पाकिस्तान की हालत कैसे और खस्ता हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में ब्लास्ट, पाकिस्तान निराश। बेकाबू हुए हालात, एससीओ बैठक पर ग्रहण। ये तस्वीरें कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के बेहद करीब की हैं। बीच सड़क आग की लपटें, चीख पुकार, अफरा तफरी और कारों के परखच्चे देखकर आप समझ गए होंगे कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। जिन्ना लैंड में हुए धमाके के बाद से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर सदमे में हैं, क्योंकि मारे गए लोगों में चीनी नागरिक हैं और अब पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बन रहा है। इस धमाके की जिम्मेदारी बलोच आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने ली है। बलोच आर्मी ने दावा किया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। वहीं चीन ने इस हमले को आतंकी हमला बताते हुए पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार इस हमले की गंभीरता पूर्वक जांच करे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पाकिस्तान चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही उनके मुताबिक चीनी नागरिक उस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर आ गए जब उन्होंने पाकिस्तान में कदम ही रखा था। जानकारी के मुताबिक चीनी इंजीनियरों का ये दल पाकिस्तान पहुंचा ही था कि तभी बलोच आर्मी ने इन्हें निशाना बना लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कराची में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी चीनी इंजीनियर्स की टीम पर पाकिस्तान में आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कईयों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी गंभीर है और चीन ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अब इस मुसीबत का सामना कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।